नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर एक नया प्रोडक्ट, उसके विषय में कुछ जानकारी और उसका रिव्यू। ख़ास तौर पर ये प्रोडक्ट हमारी माता बहनों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। उसका नाम है ओवा ब्लेस मायो ओरेंज। ये लाइफ स्टार कंपनी यानी मैनकाइंड द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। इसके अंदर अगर मैं खोल के बात करूँ तो 10 गोलियों का एक पत्ता निकलता है इस तरह से। बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के मेन कंटेंट में कि ये क्या क्या साल्ट इसके अंदर है, क्या उन साल्ट का यूजेज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इसके प्राइस हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये ओवा ब्लेस मायो है, इसके अंदर बेसिकली 3-4 साल्ट का मिक्सचर है, यानी 3-4 ड्रग्स इसके अंदर डाली गई हैं, जिसमें पहली आती है मायो इंसोटोल, दूसरी आती है डी कायरो इनोसिटोल, तीसरी आती है क्रोमियम और चौथी आती है विटामिन D3। इनकी मात्रा जो डाली गई है वो कंपनी ने बिल्कुल एक्यूरेट, जो IRDA से अप्रूव्ड होती है, उसी हिसाब से मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती है, उसी हिसाब से डाली गई है। साथ में अगर हम बात करें इसके अंदर और चीज़ों की, तो एनर्जी है इसके अंदर 2.88 किलो कैलोरी, इसके अंदर प्रोटीन है 0.7 ग्राम और शुगर और फैट बिल्कुल भी नहीं है, तो जिसे डायबिटीज़ है वो भी इसको आसानी से ले सकती हैं। अब बात करते हैं इसके क्या क्या काम हैं। तो अगर बात करें स्पेशल में फॉर मायो इनोसिटोल के बारे में, तो मायो इनोसिटोल एक विटामिन लाइक सब्सटेंस है जो कि काम करता है हॉर्मोन्स पर, उनको ठीक से केमिकल चैनल्स को ब्लॉक कर अच्छे से हॉर्मोन्स को निकालना, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बना देना, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स का बॉडी में मेंटेन करने के साथ में आपको जो है पैनिक डिसऑर्डर से ये बचाता है, साथ में डिप्रेशन से बचाता है, साथ में ये काम आता है ओवरीज को ताकत देने के लिए, और ओवरीज को कि अगर कोई कंडीशन हो गई हो जिसमें एग रिलीज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाती है, एक उसका जो मेन फीचर होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, उस सिंड्रोम से बचाती है। अगर हो गया हो तो उसे रिवर्स करने की भी इसमें थोड़ी सी वो रहती है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में इसे लेना होता है। अब बात करते हैं दूसरे साल्ट की, जो है डी कायरो इनोसिटोल। ये जो है मायो इनोसिटोल के साथ मिलकर काम करता है, और उसके कॉम्बिनेशन के साथ मिलने के बाद जो बॉडी के इंसुलिन की के यूजेस हैं उसको थोड़ा सा एनहेंस कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसको ऐसे बैलेंस करता है कि डायबिटिक ना हो पाए और इंसुलिन का अच्छे से अच्छा यूज़ बॉडी के अंदर हो पाए। साथ में ये एंड्रोजन के लेवल को डिक्रीज़ करने के काम आता है, अगर एंड्रोजन्स के लेवल थोड़े बढ़े हुए हैं तो उनको ये नीचे करने के काम में लाया जाता है, ताकि प्रोजेस्टेरोन अच्छे से निकल के आए। साथ में ये काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को समय पर लाने में, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगड़ी हुई है तो कंसीव करने में दिक्कत होती है, आसानी से आप बेबी को कंसीव नहीं कर पाती, तो इस तरह से ये जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ठीक करने के काम में आती है। साथ में ये जो ओवेरीज के फंक्शंस हैं उनको भी रेगुलेट करती है, साथ ही साथ जो लिपिड प्रोफाइल्स होती हैं बॉडी के अंदर, यानी फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ट्राइग्लाइसराइड की मात्रा, उसको भी नॉर्मलाइज करने की का काम करती है। साथ ही साथ में जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि बच्चा पेट में आ गया है उस दौरान जो डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट, उसमें भी ये उसको इंसुलिन को प्रॉपर काम करवा कर उससे बचाती है। साथ में अगर बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो है वो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की एक्टिविटी को नॉर्मल रखता है, जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। दूसरा आ जाते हैं विटामिन D3 पर, तो विटामिन D3 आपकी जो कैल्शियम सप्लीमेंट है उसको पूरी तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, आपका थोड़ी सी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, साथ में आपकी जो हड्डियां हैं, जो दांत हैं, उनको मजबूत करता है, साथ ही साथ जो बेबी आपके पेट में आने वाला है उसको भी ताकत प्रदान करने के लिए पहले से पहले ही आपकी बॉडी को तैयार कर देता है। तो ये रोल हुए इसके जो जितने भी साल्ट हैं उनके। अब बात कर लेते हैं कि इसे कैसे लेना चाहिए। बेसिकली एक टैबलेट रोज़ लेनी चाहिए, कम से कम 1-2 महीने के लिए। अगर आपकी गायनोकोलोजिस्ट इसे और
लंबा प्रिस्क्राइब करती है, तो आपको और लंबाई से लेना चाहिए, बीच में इसको नहीं छोड़ना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट इससे नहीं मिलेगा। ये एक फीड सप्लीमेंट के तौर पर कह सकते हैं आप कि यूज़ होता है, इसको आप मेडिसिन समझकर ना लें। साथ में अगर मैं बात करूँ साइड इफ़ेक्ट की, तो बेसिकली ये वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है, परंतु किसी को इनमें से किसी भी एक साल्ट से अगर एलर्जी है तो कृपया आप इसका सेवन ना करें। इस चीज़ को पहले ही अपने डॉक्टर को बता दें कि आपको क्रोमियम से या जो है मायो इनोसिटोल से एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें। बाकी आप इसको नॉर्मल जगह पर प्रिजर्व करके रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखें, धूप से बचाएं। साथ में आप जिस टाइम इसका यूज़ करते हैं उसी टाइम पर ही प्रॉपरली आप इसका यूज़ करें। तो माताओं बहनों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट कर नीचे लिख सकती हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्द से जल्द दे सकूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक देकर अवश्य जाएं। साथ ही साथ मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बना हुआ घंटी का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।